बने हुए हैं। चलिए बनाते हैं घरेलू मंगोची यानी रसगुल्ले का सब्स्टिट्यूट। बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसी लॉकडाउन के समय अगर आपके पास दाल है, तेल है और चीनी है तो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से ही ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहें, इंग्रेडिएंट नोट करें और स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले तो हमें दाल को भिगो लेना है। मैंने इसे रात भर पानी में डालकर छोड़ दिया था। आप इसे 4 घंटे भिगो कर भी इससे मंगोची बना सकते हैं, लेकिन इसे ओवरनाइट फुलाने से दाल फर्मेंट हो जाता है और इससे दाल की पीठी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो दाल की पीठी अगर सॉफ्ट बनेगा तो उससे आपकी मंगोची भी बहुत बढ़िया सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। तो अब इसे धोकर अच्छी तरह से छान लेना है। अब हमने धोकर और छानकर मिक्सी पॉट में दाल को डाल दिया है। यहाँ पर 2 दाल मैंने इस्तेमाल किया है मंगोची में, मूंग की दाल और उड़द की दाल। उड़द की दाल इसे हल्का बनाता है और ये अच्छे से शीरा को जज्ब करेगा। और यहाँ पर रेशियो है 3:1 का, यानी 3 डिब्बी हमने मूंग की दाल लिया है और 1 डिब्बी हमने उड़द की दाल लिया है। अब इस दाल को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बहुत ही बारीक और स्मूथ पीस लेना है। तो अब हमने बहुत स्मूथ सा पेस्ट यहाँ तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह की पेस्ट बनाने में हमें बस 4-5 चम्मच एक्स्ट्रा पानी इस्तेमाल करना पड़ा है। और इस पेस्ट का सिर्फ बारीक पीसना ही ज़रूरी नहीं, इसे हल्का भी होना चाहिए, यानी पानी में डालकर देखने पर ये फ्लोट करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है आखिर में आपको खाने वाला सोडा इस्तेमाल करना पड़े। इसी तरह से पानी में पिठी को फ्लोट करना चाहिए और ये बगैर सोडे का ही तैर रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको सोडा इस्तेमाल करना होगा। अब एक बर्तन लें और उसमें चीनी डालें। यहाँ हमने 125 ml वाली कप से 1 कप चीनी लिया है। अब हमें 1 तार की चाशनी बना लेनी है। अब इसमें लगभग 100 या 125 ml के करीब हम पानी डालेंगे और 1 तार की चाशनी हमें तैयार कर लेना है। ना ज़्यादा चिपचिपी बनाना है और ना ज़्यादा रनी। तो इसे हम एक तरफ चूल्हे पर रख देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं। ये हमारा होममेड इलायची पाउडर है। आप कहेंगे तो मैं आपके लिए इसका वीडियो तैयार कर दूँगी। और अगर इलायची पाउडर नहीं डालना चाहते तो केवड़ा जल डाल दें या गुलाब का जल डाल दें। अब गरम तेल में 1 पेठी हम डालकर देखते हैं कि ये फ्लोट करता है या नहीं। चलिए, तो ये तैरने लगा है, इसका मतलब पिठी हमारी सही है। यहाँ पर तेल को हमें मीडियम से थोड़ा लो रखना होगा, इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना होगा। आप पीठी को थोड़ा गाढ़ा रखें तो गोल गोल आपकी मंगोची तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारी ये सारी मंगोचियाँ फ्लोट कर रही हैं। और मैंने एक बड़ी सी इसमें बैच बना ली है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप छोटे छोटे बैचेस में इसे तले, वरना संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसे हमें लाल नहीं करना है, बस इसे सफ़ेद सफ़ेद ही निकाल लेना है ताकि ये बिल्कुल रसगुल्ले जैसा बनकर तैयार हो। और मैंने यहाँ पर कैनोला ऑयल का इस्तेमाल किया, साथ में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी मिलाया है। तो अब हमारी फुल्कियाँ रेडी हो चुकी हैं, हम इसे चाशनी में डाल लेते हैं।
ये बहुत ही आसान सी घरेलू सी रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे बनाकर हफ्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी मंगोछी बहुत अच्छी बनी है तो ये सारा रस वो सोख लेगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारी मंगोछी काफ़ी अच्छी बनी है। तो आपका दिल लगा हुआ होगा और मुझे भी दिखाने की जल्दी है, तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहा। तो देखिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मैंने आपको इसे काट कर दिखाया है और ये कितना जालीदार कितना बेहतरीन मंगोछी रेडी हुआ है, जबकि मैंने इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है। बिल्कुल आसानी से रोज़मर्रा की डिश की तरह इसे बनाया है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने बहुत इंजॉय किया होगा, इससे बच्चे भी बनाकर खुश होंगे, तो आप भी बनाएं, पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो फिर मिलेंगे, साथ बनाए रखें, अपने कमेंट्स करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।